पापा सुपर हीरो है। मुझे मारने की सुपारी लेकर आए हो, काट डालूंगा सबको। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेलुगु लैंग्वेज की 2024 की एक्शन इमोशनल ड्रामा फिल्म सैंधव के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार वेंकटेश देवगुपति एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टार फिल्म सैंधव के कलेक्शन की बात कर ले तो फिल्म के आज बॉक्स ऑफिस पर 7 डेज कम्प्लीट हो चुका है, यानी फिल्म अपने फर्स्ट वीक को भी कम्प्लीट कर चुकी है। बात करेंगे फिल्म सैंधव के आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 की तो फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 के अंदर वर्ल्ड वाइड से करीब 1.90 करोड़ की कमाई हुई है। इसी के साथ फिल्म सैंधव का फ्रॉम डे 7 तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 26.80 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है, जहां फिल्म का अपने स्टेट आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बॉक्स ऑफिस पर 19 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। फिल्म सैंधव के बजट की बात करें तो फिल्म को ओवरऑल 55 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कॉस्ट को मिलाकर। फिल्म सैंधव के बारे में बता दें तो फिल्म में वेंकटेश देवगुपति 63 साल की उम्र में एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों फिल्म में बॉलीवुड के एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी तेलुगु फिल्मों में अपना डेब्यू कर रहे हैं। फिल्म में वे विलेन के किरदार में हैं। दोस्तों फिल्म सैंधव को अगर आपने अभी तक मिस किया तो आप एक बेहतरीन फिल्म को मिस कर रहे हैं। नजदीकी थिएटर्स में जाके फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं तेलुगु लैंग्वेज की 2024 की एक्शन ड्रामा फिल्म नासामी रंगा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे नागा अर्जुन अलारी नरेश रास्तर एंड असिका रंगानाथ स्टार फिल्म नासामी रंगा के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म के आज सिनेमाघरों में 6 डेज पूरे हो चुके हैं और फिल्म का कलेक्शन अनस्टॉपेबल नजर आ रहा है। फिल्म को ऑडियंस के द्वारा जबरदस्त क्रेज देखने को मिला है। दोस्तों फिल्म नासामी रंगा के आज बॉक्स ऑफिस पर 6 डेज कलेक्शन की बात कर ले तो फिल्म नासामी रंगा ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 4.95 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है। इसी के साथ फिल्म नासामी रंगा का फ्रॉम डे 6 तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 40.35 करोड़ की कमाई कर चुकी है, जहां फिल्म का अपने स्टेट आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बॉक्स ऑफिस पर 33 करोड़ की कमाई हो चुकी है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म नासामी रंगा को ओवरऑल 35 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कॉस्ट को मिलाकर। दोस्तों आप सभी को बता दो कि फिल्म नासामी रंगा फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रेस्पॉन्स दिखा रही है। फिल्म में नागार्जुन जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों नागार्जुन के फैन और आपने इस फिल्म को मिस किया तो आप एक 2024 की बेहतरीन फिल्म को मिस कर रहे हैं। नजदीकी थिएटर्स में जाके फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैटरीना कैफ एंड विजय सेतुपति स्टार फिल्म मैरी क्रिसमस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म मैरी क्रिसमस के कलेक्शन की तो फिल्म के आज सिनेमाघरों में 8 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं, यानी फिल्म अपने सेकेंड वीक में एंटर कर चुकी है। बात करेंगे फिल्म मैरी क्रिसमस के कलेक्शन की तो फिल्म मैरी क्रिसमस का डे 8 के अंदर इंडिया के बॉक्स ऑफिस से 90 लाख की कमाई हुई है। इसी के साथ फिल्म मैरी क्रिसमस का फ्रॉम डे 8 तक टोटल इंडिया के बॉक्स ऑफिस से 16.18 करोड़ की कमाई कर चुकी है तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 21 करोड़ की कमाई हो चुकी है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म मैरी क्रिसमस को 60 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को मिलाकर, और फिल्म फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। फिल्म में विजय सेतुपति एंड कैटरीना कैफ की जोड़ी नजर आ रही है। दोस्तों फिल्म एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। फिल्म को अगर आपने मिस किया तो इस वीकेंड फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म मिशन चैप्टर 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे अरुण विजय एंड एमी जैक्सन स्टार फिल्म मिशन चैप्टर 1 के कलेक्शंस की बात कर ले तो फिल्म के आज सिनेमाघरों में 8 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, फिल्म अपने सेकंड वीकेंड में है। दोस्तों बात करेंगे फिल्म मिशन चैप्टर 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 8 की तो फिल्म का फ्रॉम डे 8 तक आते-आते टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 22 करोड़ की शानदार कमाई कर चुकी है। फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म को 25 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कॉस्ट को मिलाकर। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म मिशन चैप्टर 1 के स्क्रीन्स में भी इजाफा कर दिया गया है। फिल्म को जबरदस्त रिव्यू मिल रहे हैं, फिल्म को काफी ज्यादा पॉजिटिव रिव्यू मिला है दोस्तों, जिसके चलते फिल्म के सेकंड वीक में स्क्रीन्स एंड शोज को बढ़ा दिए गए हैं। फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहे हैं, फिल्म की जबरदस्त तारीफ हो रही है। दोस्तों फिल्म मिशन चैप्टर 1 को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा, फिल्म को अगर आपने मिस किया तो आप एक बेहतरीन फिल्म को मिस कर रहे हैं। नजदीकी थिएटर्स में जाकर फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। तो दोस्तों ये था लेखा झोंका हर फिल्म के कलेक्शन का। ये पोस्ट पसंद आया तो लाइक करें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बॉक्स ऑफिस के लेटेस्ट न्यूज के लिए जुड़े रहिए मेरे इस एंटरटेनमेंट न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।